नमस्कार, JNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। चंद्रा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर सफेदाबाद की तरफ से समाज सेवी भाजपा कुर्मी नेता RC पटेल के नेतृत्व में बाराबंकी देवा ब्लॉक के रसूलपुर दरगाह में निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में गांव से आए सैकड़ों ग्रामीणों का कुशल चिकित्सकों द्वारा जांच कर निःशुल्क दवाई वितरित की गई। देखते हैं बाराबंकी से मयंका यादव की रिपोर्ट। इसी तरह से हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के जो रसूलपुर दरगाह है, ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं। मैं उनसे भी जानकारी करता हूँ किस प्रकार के जो है कैंप का आयोजन उनके पंचायत के अंदर आज कराया गया था, किसके माध्यम से हुआ है और कौन से जो है वही कह सकते हैं प्रकार से किस हॉस्पिटल के द्वारा कैंप का आयोजन कराया गया, तमाम जो है जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। और आपके पंचायत में जो आज चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया था, एक किस हॉस्पिटल और किसके नेतृत्व में कराया गया था? ये चंद्रा हॉस्पिटल सफेदाबाद, और हमारे विजय जी हैं नरसी पत्र उम्मीदवार आरसी पटेल कुर्मी नेता। इसी तरह हमारे बीच में कुर्मी नेता RC पटेल भी बैठे हुए हैं। आइए मैं उनसे दो शब्द जानने की कोशिश करता हूँ। और उससे पहले हमारे यहाँ इसी पंचायत से BDC जो है जिनको क्षेत्र पंचायत सदस्य के नाम से जाना जाता है हमारे साथ हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। और ये जो चिकित्सा कैंप का आयोजन हुआ है, किस प्रकार का आयोजन कराया गया और इसमें किन किन प्रकार के सभी लोगों को आपके ये गाँव वालों को लाभ मिला? हमारे गाँव में जो चिकित्सा हुआ है हमारे हिसाब से सही हुआ, और इसी तरह जो सरकार चल रही है तो फिलहाल ठीक ही चल रही है। और हमेशा मैं चाहूँगा कि सदैव ये आप लोग जो कर रहे हैं वो होना भी चाहिए। और मैं प्रमोद कुमार, BDC क्षेत्र सदस्य पंचायत। देख रहे थे ये रसूलपुर दरगाह के प्रमोद कुमार रावत जी जो BDC हैं यहाँ के, हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं रसूलपुर दरगाह के प्रधान गजेंद्र सिंह वर्मा जी, और ये रसूलपुर दरगाह गांव है, देवा ब्लॉक का गांव है। और रसूलपुर दरगाह एक दरगाह है। रसूलपुर गांव से जब आप शारदा नहर की तरफ पहुंचने लगे तो बाएं हाथ में एक दरगाह होती है। इस रसूलपुर गाँव के लोग तो दरगाह को इतना मानते हैं कि इस रसूलपुर दरगाह का नाम रसूलपुर से जोड़ करके उस दरगाह को फेमस कर देते हैं। ऐसे मानने वाले लोग हैं इस रसूलपुर के गांव के लोग। लेकिन मुझे दुख है इस बात का, ये गजेंद्र वर्मा जब चुनाव लड़ रहा था प्रधानी का तो हिंदू बिरादरी इसके साथ हुआ करती थी, मुसलमान पूरा एक तरफा इसके एंटी चला जाता है। और तब मुझे तकलीफ होती है कि रसूलपुर गाँव के लोग उस दरगाह को इतना प्यार करते हैं, उस मुसलमान को इतना प्यार करते हैं, और वो मुसलमान के चुनाव में इनके साथ नहीं खड़ा होता है। मुझे दुख होता है। मैं आज रसूलपुर दरगाह में इस कैंप का मैंने आयोजन इसलिए कराया ताकि रसूलपुर गांव का एक एक आदमी स्वस्थ रह सके, सुरक्षित रह सके। उसकी जांच जो है हुई है, BP की जाँच हुई है, शुगर की जाँच हुई है, निःशुल्क जाँच हुई है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना हुआ, एक भी पैसा कोई दवा का नहीं पड़ा है। इसी तरीके के कैंप मैं गजेंद्र सिंह प्रधान और BDC के नेतृत्व में निरंतर लगाता रहूंगा। साल में 2-4 कैंप तो लगते ही रहेंगे। और मैं आश्वासन देता हूं प्रधान को अपने कि जब भी तुम्हारी किसी प्रकार की कोई आवाज जरूरत पड़ेगी तो मैं बाराबंकी में बैठा हूँ। इस रसूलपुर की आवाज बाराबंकी जनपद से लेकर के उत्तर प्रदेश तक उठाने का काम करूंगा। लेकिन मेन जो कैंप लगा रहे हैं आपके माध्यम से भी लगाए जा रहे हैं जो, लेकिन उसके उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है कैंप लगाने का? मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज सेवा, मुख्य उद्देश्य ये है लोगों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को करना। अरे मैं तो कहता हूँ कि पहला सुख कौन सा है? पहला सुख है स्वस्थ हो काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। तो पहला सुख है स्वास्थ्य, इसलिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है ताकि आप स्वस्थ रह सकें।